अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा नाहीच, दिल्ली हायकोर्टाने जामीन याचिका फेटाळली आहे. याचिकाकर्त्याला 75,000 दंड ठोठावलेला आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा मिळणार का हा प्रश्न होता आणि त्याबाबतची स्पष्टता आज समोर आली आहे. दिल्ली हायकोर्टाने जामीन याचिका फेटाळली आहे. याचिकाकर्त्याला 75,000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आलेला आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणीत वाढ झाली. अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा मिळणार का हा प्रश्न होता, मात्र त्याबाबतची सुनावणी आता समोर आली आहे. दिल्ली हायकोर्टाने जामीन याचिका फेटाळली. याचिकाकर्त्याला 75,000 रुपयांचा दंड ठोठावलेला आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्यावरच्या अडचणी, यांच्यावरचं संकट आणखीन वाढलेलं आहे. खरं तर त्यांना आज जामीन मिळणार का, त्यांना दिलासा मिळणार का हा प्रश्न होता, मात्र अखेर आता जी ताजी अपडेट समोर येतात त्याप्रमाणे अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा मिळाला नाही. अरविंद केजरीवाल यांचं जामीन याचिका फेटाळण्यात आली. कोई लोकस सस्पेंड नाही है. कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कास्टने याचिका दाखिल की है. उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी ही नहीं है केजरीवाल के लिए जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बेल की प्रक्रिया जो है उसमें एक निर्धारित प्रक्रिया है. जो व्यक्ति जेल में होता है वो खुद बेल एप्लीकेशन फाइल करता है, वो खुद उसकी श्योरिटी देता है अगर उसको बेल होती है, वो खुद उसका जो है वो जितने प्रोसीजर है उसका पालन करता है. चूँकि ये पिटिशनर ना तो किसी तरीके से रिलेटेड है और ना ही इसके पास कोई पावर ऑफ अटॉर्नी थी, इस बात को कोर्ट ने नोट किया और ये कहा कि पिटिशनर का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है और ये पूरी पिटिशन नॉन मेंटेनेबल है और उस पर 75,000 रुपये का कॉस्ट भी इम्पोज किया है. पिटिशनर काम नहीं कर पा रहे हैं और वो पब्लिसिटी के लिए नहीं है, 3 करोड़ लोगों के लिए है, जो दिल्ली की जनता है उनके लिए इस तरह की मांग कर रहे हैं. कोर्ट ने इस बाबत कहा कि कोर्ट ने पिछले 3 आदेशों में जब सिमिलर पिटिशंस फाइल हुई थी उसमें अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि यह कोर्ट के पास कोई लेजिस्लेटिव पावर्स अभी इस्तेमाल नहीं कर सकती. जो लेजिस्लेटिव डिफ़िकल्टीज़ है उसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम है, आप वहां पे जाइए. ऐसा कहते हुए उन्होंने ऑलरेडी 3 पिटिशंस डिसमिस किया है. लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.